इतना सुंदर डेकोरेशन किसी ने करवाया है? मैंने करवाया है। मजाक कर रही हूँ यार, बिल्कुल भी नहीं है मेरी शादी यहाँ पे, किसी और की शादी है। So guys, ये हम हैं, ये हमारे पति देव है एंड यहाँ पे हमारी शादी हो रही है। नेचुरल फ्रेंड थे, फिर बेस्ट फ्रेंड हो गए, अच्छे फ्रेंड हो गए, फिर लव स्टार्ट हो गया। नो 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 नो, क्या हालत बनाया मैंने मेरे पति को। हेलो नील हार्ट्स, तो कैसे हो आप सब? गाइस, आज तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्माने वाली हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आज मेरी शादी होने वाली है। यार वैसे मेरा दूल्हा तो मुझे अभी तक मिला नहीं, मेरे सपनों का राजकुमार, पता नहीं मुझे आज मिल भी जाएगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज, जैसे भी हो, मुझे चाहे मेरे सपनों का राजकुमार मिले या चाहे ना मिले, आज तो मैं शादी करने ही वाली हूँ। एंड आज का पूरा दिन मैं एज अ ब्राइड बिताने वाली हूँ, मतलब आज मेरी हल्दी होने वाली है, मेहंदी होने वाली है, शादी होने वाली है। अबे मौज कर दे। तो बहुत ज्यादा मजा आएगा आज की वीडियो में, एंड आप सबकी बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो यार क्या कर रहे हो, अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, क्यों नहीं किया यार? बिल्कुल मुफ्त 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 है, आप फ्री में लाइक कर सकते हो, तो एक लाइक तो कर ही दो। टारगेट रखते हैं 1 लाख लाइक्स की, ठीक है? तो चलो गाइस, विदाउट एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय शादी का वीडियो। इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है भाई? और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग। यार ज्यादा ही जोर से मार दिया मैंने। बिल्कुल ही येलो येलो डर्टी फेलो बन के बैठी हुई हूँ, एंड मेरे पीछे आपको बस ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। क्या बोलती हूँ, अभी मेरी हल्दी होने वाली है एंड मैं हल्दी के लिए रेडी होने वाली हूँ, एंड मैं हमेशा ओवर एक्टिंग तो करने वाली होती हूँ। तो गाइज अभी यहाँ पे मेरी मेकअप आर्टिस्ट सारा मेकअप जो है वो अरेंज कर रही है, मैं अभी तो ऐसे दिख रही हूँ, बट मैं हल्दी में इतनी अच्छे से रेडी होने वाली हूँ ना कि काश मुझे कोई मिल जाए, मेरे सपनों का राजकुमार। तो चलो मैं रेडी होती हूँ जल्दी से एंड फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो मैं पहले थी एंड जो मैं अभी हूँ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। और यार मेरा तो यहाँ पे क्या बोलूँ, सब कुछ उतर जा रहा है, क्योंकि मेरे जैसी ब्राइड होती है ना तो उनका सभी कुछ उतर जाता है। तो फाइनली अभी होने वाली है मेरी हल्दी। अरे कितनी बार गिर जाओगे। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मम्मी भी बिल्कुल हल्दी के लिए रेडी होके बैठी हुई है और मेरी बहन भी। तो आज ही मेरा हल्दी है ना, मेरी मम्मी बताएंगी, बोलो है तुम्हारा हल्दी है आज ही? मेरा आज ही हल्दी है। और मेरा शादी किसके साथ होने वाला है? मेरे को पता नहीं, तुमको पता है? मुझे भी नहीं पता। देखो यार मेरी मम्मी, अच्छा मेरी बहन को पता है या नहीं देखते हैं, किसके साथ होने वाली है शादी, गेस तो करो। कुछ भी ये मतलब क्या बताऊं, मेरी बहन तो बिल्कुल ही गया गुजरा निकली। चलो बनाओ बनाओ मेरे लिए हल्दी, बनाओ। की कर वो ओह नो मोर और नहीं चाहिए, मेरी बहन भी लगाएंगी। नहीं बहन लगाएंगी, बहन लगा देगी वो साइड में। गाइस ये किसकी शादी है? ये मेरी शादी है, ठीक है? तो इधर आओ, थोड़ा तो लगाना पड़ेगा ना।
तुम्हारी बहन की शादी हो नहीं हो, हल्दी तो हो रही है तो थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा। मम्मी को मैं अभी नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरी मम्मी अभी कहीं जा रही है गाइस। और आपको पता है कि मेरी शादी देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग आए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। नो 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 एंड क्या बताऊँ, मुझे इतनी शर्म आ रही है, मैं बता भी नहीं सकती आपको मुझे कितनी ज्यादा शर्म आ रही है। तो चलो यार जल्दी से भी नीचे चलते हैं। सो गाइस अभी मैं बैक टू माई रूम हो गई हूँ एंड मेरा मेकअप भी उतर गया है, सो आपको असलियत दिख ही रही होगी, दिख रही है ना? प्लीज यार डर मत जाना। तो चलो अभी हम लोग तैयार होने वाले हैं मेहंदी के लिए, तो मेहंदी के लिए पहले तो रेडी होना पड़ेगा फिर मेहंदी भी लगेगा, है ना? तो चलो तैयार होते हैं। होली तो ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं गाइस एंड होली के कलर्स की हार्मफुल इफेक्ट से बचने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी चीज शेयर करूंगी। सो गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाओ की उक्टन स्किन केयर रेंज, जो कि अभी मेरा फेवरेट बन चुका है। तो सबसे पहले मैं यूज करती हूँ वाओ की उक्टन फेस वॉश, जो की एक बहुत ही सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रश के साथ आता है एंड ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। देन मैं यूज करती हूँ वाओ की फेस एंड बॉडी स्क्रब, जो की यार हमारी स्किन से डेड स्किन सेल्स के सारे लेयर हटा देता है एंड टैन भी रिमूव कर देता है। एंड नेक्स्ट आता है वाओ की उक्टन फेस एंड बॉडी पैक। गाइस ये तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट है क्योंकि ये ना हमारी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट ग्लोइंग बना देता है, बिल्कुल ना सैलून में स्किन केयर वाली इफेक्ट देता है घर में बैठ के ही। एंड नेक्स्ट मैं यूज करती हूँ उक्टन फेस सीरम, ये तो मेरा सबसे फेवरेट सीरम है क्योंकि ये बिल्कुल ऑयल फ्री है, बिल्कुल चिपचिपा नहीं बनाता है स्किन को, टैन रिमूव कर देता है, ग्लोइंग बनाता है एंड सारी हार्मफुल चीजों से स्किन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है एंड ग्लो तो आपको दिख ही रहा होगा। एंड गाइस बॉडी स्किन केयर के लिए उक्टन बॉडी वॉश मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया एंड सारी चीजों को परचेज करने के लिए आप मेरी कूपन कोड मिलांजना यूज कर सकते हो। एंड गाइस वाओ के सारे प्रोडक्ट्स में आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करती आप डायरेक्ट वाओ के ऐप पे पहुंच जाओगे एंड ये सारी चीजें आप वहां से बाय कर सकते हो। एंड आपको तो पता ही है कि वाओ के सारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल प्लांट बेस्ड, हार्मफुल केमिकल से फ्री होता है, सो मैं तो आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। मेहंदी है रचने वाली, रचने वाली क्या है, थोड़ा बहुत तो रच ही चुकी है। एंड गाइज आप तो मेरा मेहंदी का लुक देख ही सकते हो, कितनी प्यारी लुक है ना बताओ। तो मेहंदी अभी रच रही है थोड़ी थोड़ी करके, बट गाइज मैं आपको बता दूं कि आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यार बॉयफ्रेंड फोन भी नहीं करता और इन लोगों के मेरे टीम मेंबर्स के सारे गर्लफ्रेंड लोग फोन करते हैं, बॉयफ्रेंड लोग फोन करते हैं, पता नहीं कौन कौन फोन करते हैं और मुझे इतना दुख होता है कि सबका कॉल आता है, मेरा कॉल क्यों नहीं आता, मुझे कोई क्यों नहीं कॉल करता यार। बट ठीक है गाइस कोई बात नहीं, अगर कोई लड़का मुझसे प्यार करता होगा तो शायद मेरे मेहंदी में भी थोड़ा बहुत रंग आएगा, और अगर कोई प्यार नहीं करता होगा तो इस मेहंदी में भी रंग नहीं आएगा। एंड कल सुबह उठ के आपको दिखाऊंगी कि मेरे हाथों में कलर आया है या नहीं आया है। तो चलो अभी कल सुबह तक वेट करो जो कि अभी होने वाला है, ठीक है? A few moments later. Can you see guys कितना प्यारा कलर आया है यार, I am so happy, मतलब मैं कैसे बताऊं मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मतलब कोई तो ऐसा होगा जो मुझसे बहुत प्यार करता होगा, है ना? कहीं वो आप तो नहीं हो ना, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हो ना? मुझे तो लगता है यार आप ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, इसीलिए मेरा इतना अच्छा मेहंदी इतनी अच्छी रंग लाई है। तो जल्दी से चलते हैं एंड मेकअप करवा लेते हैं। 2000 years later. So guys, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पूरी तरह से तैयार हो चुकी हूँ एंड यार मुझे कोई वो नहीं दोगे क्या बोलते उसको, उसको क्या बोलते हैं, हार, जो हार पहन के हम लोग शादी करते हैं, वो दो तो वो है ये 20 रुपया वाला हार। 40 यार इस हार का प्राइस 40 रुपया है, आप सोच सकते हो? मैं गरीब हूँ। और जो एक्चुअल शादी का हार होता है ना वो 200 रुपया है, समझ रहे हो? और आप क्या सोचते हो ये कंजूस मक्खी चूस लड़की 200 रुपया करके शादी का हार खरीदेगी? नहीं कभी नहीं, इसलिए मैंने 40 रुपया से ही गुजारा कर लिया है। बट आप कंजूसी मत करना, ठीक है?
लाइक तो ऑब्वियसली करना ही है आपको, क्योंकि बहुत चूना लगाया है मैंने और अभी और ज़्यादा चूना लगाऊंगी, क्योंकि शादी है, खाना तो खाना बनता है। नहीं यार, पहले तो शादी करेंगे फिर खाना खाएंगे, मुझे तो शादी से पहले ही खाना खाने का इंतज़ार नहीं कर पाती हूँ मैं। तो चलो अभी जाते हैं कहीं पे, करते हैं किसी से शादी, अगर मुझे दूल्हा मिला तो। पता नहीं दूल्हा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो चलो चलते हैं शादी करने। यार इतना एक्साइटेड कोई होती है शादी में? लोग रोते हैं ना, शादी है आज मेरा, यार मेरे को तो रोना ही नहीं आ रहा, मुझे तो मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो चलते हैं। A few moments later. मेरा जमाई कहाँ है? तुम्हारा जमाई? ये रहा। वाह बहुत अच्छा जमाई है तो मेरा। और मेरी मम्मी को जमाई कैसा लगा? अच्छा लगा। कितना अच्छा? बहुत अच्छा। सबसे अच्छा जमाई ये है? है। सो गाइस, ये हम हैं, ये हमारे पति देव है एंड यहाँ पे हमारी शादी हो रही है। अरे यार ये तो छोटा पड़ गया, ये तो इसको दूल्हे को फिट नहीं आ रहा है यार। इतना सुंदर लग रहा है यार मेरा दूल्हा, इतना प्यारा दूल्हा। आप किसी के पास भी है? आपने आप बोलो, किसी के पास भी आपने देखा है? सिर्फ मेरे ही पास इतना सुंदर दूल्हा है। कैजुअल फ्रेंड थे, फिर बेस्ट फ्रेंड हो गए, अच्छे फ्रेंड हो गए, फिर लव स्टार्ट हो गया। सो गाइस, मेरे पास ना सिंदूर खरीदने के लिए उतना बजट है ही नहीं। मैं गरीब हूँ। हमारा लो बजट जो फिल्म देख रहे हो अब वो बन रहा है, तो लिपस्टिक से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो ये लो तुम्हारा रेडीमेड सिंदूर और पहना दो। पहनाओ, ये तो पकड़ता ही नहीं है, क्या करूँ मैं, खुद पहन लूँ इसके हाथों से? तो गाइज मैं मतलब इसको भी मैं पसंद नहीं आई, मुझे कोई दूल्हा तो मिलता ही नहीं है जो कि एक मिला अच्छा सा दूल्हा वो मुझे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जबरदस्ती शादी करूंगी। तो चलो पहनते हैं। कैसे पहनूं ऐसे पहन लेती हूँ, ठीक है? अच्छा चलो हो गया। ओह माय गॉड गाइस, थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड, मेरे पति देव, पति परमेश्वर, पैर छूती हूँ मेरे पति के, मेरी फाइनली शादी हो गई गाइस। कितनी बार पैर छू कम है। तो गाइस मेरी शादी तो हो चुकी है, बट शादी का दावत अभी तक बाकी है ना, तो चलो शादी की दावत भी देनी पड़ेगी ना आप लोगों को, नहीं तो आप लोग मुझे छोड़ोगे से थोड़ी। तो चलो चलते हैं शादी की आलीशान डिनर पे, बट मेरे पति देव को बिल्कुल भी भूख नहीं है तो इसको लेके मैं जाने वाली नहीं हूँ। देखा मेरे पतिदेव कितना अच्छा है, मैं थप्पड़ भी लगा दूँ 2-3-4 फिर भी कुछ नहीं बोल रहा, मुझे प्यार है। कितना अच्छा नहीं है? Love you. A few moments later. गिर जाऊंगी। दिखाओ कितना सुंदर डेकोरेशन है मेरी शादी का, दिखा दो इतना सुंदर डेकोरेशन, किसी ने करवाया है? मैंने करवाया है। देखा ना मैंने कितना खर्चा किया, मजाक कर रही हूँ यार, बिल्कुल भी नहीं है मेरी शादी यहाँ पे, किसी और की शादी है, बट मंडप सजा हुआ है इसलिए मैंने सोचा कि इसी को अपना शादी का मंडप बना लेते हैं, ठीक है ना, कम खर्चे में काम भी हो जाएगा। मैं गरीब हूँ। और आप सोचो मैं रस्ते पे ऐसे ब्राइड बन के खड़ी हूँ तो मुझे कितना ज्यादा शर्म आ रहा होगा यार। तो चलो यहीं पे हमारा खाने का बंदोबस्त है क्योंकि यहीं पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, तो जल्दी जाते हैं। रेस्टोरेंट तो खुला था दारुचिनी। ये
ये हम हैं, ये हमारा चिकन लेग पीस है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। A few moments later. And आप भी देखो कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी तो लोग मुझे कैसे कैसे देखेंगे यार। गाइस, ये मेरी शादी नहीं थी, किसी और की शादी थी और ये लोग भी सोच रहे हैं कि दो दो ब्राइड्स कहाँ से आ गई यार, दो दो दुल्हन कहाँ से आ गई यहाँ पे। A few moments later. So guys, अभी फाइनली मैं घर आ गई हूँ मेरे पति देव के पास। देखो कितना क्यूट है मेरा पति। तो पति को रखते हैं साइड पे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी है ये वीडियो करने में यार, बहुत मेहनत करी है। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना ये वीडियो तो प्लीज यार एक लाइक तो कर दो, कंजूसी मत करो, बिल्कुल मुफ्त 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 है, जरूर लाइक करना ठीक है ना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया यार, वो भी कर दो। एंड कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं। Love you, my Neelhart. यार मेरा पतिदेव, ये क्या हालत बनाया मैंने मेरे पति का। इसीलिए मुझे कोई दूल्हा नहीं मिलता, इसीलिए मुझे कोई दूल्हा नहीं मिलता यार, मैं सैड हो गई। मेरे को नहीं करना ये शादी वादी यार, नहीं करना ही नहीं है मुझे कुछ भी, जाओ। So guys, मेरी ब्राइडल सीरीज की जितनी भी सारी मेकअप आपने देखा है ना अभी तक, सारा का सारा मेकअप किया है अभिजीत ने।